नमाज के बाद हम लोग होटल पे अभी जा रहे हैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट हम लोग करेंगे और रेडी होंगे क्योंकि मक्का ज़ियारत के लिए हमें निकलना है आज। तो यस, One hour later. और ये हमारी बस है और अभी हम लोग जाते हैं अंदर। ये मम्मी और मैं सेटल हो गए बस में और ये हमारी बस थी जो हमें मक्का ज़ियारत के लिए लेके गई। आगे अब्बू और दादी, आयमान और दीदी बैठे हुए हैं। अभी से आप देख सकते हैं चपले और जो बुलंद पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, बाद रंग भी वैसे नहीं आ रहा लेकिन आना चाहिए, यही चपले से हो रहा है। तो सबसे पहले हम ज़ियारत के लिए आए जबले रहमत, जिसे माउंट अरफात भी कहते हैं। और ये ऊपर जाना अभी अलाउड नहीं था, बंद किया हुआ था, हज में शुरू होगा, तो जिसकी वजह से हम लोग नीचे ही रुक के हमने दुआ मांगी और यहाँ से ही देख के ज़ियारत कर लिया। ये देखो ऐसी सब बसें यहाँ पे लगी हुई है। ये हमारी बस है, अभी रुकी हुई है। और ये मस्जिद है जहाँ पे जाके उम्रा की नियत कर सकते हैं। ये मस्जिद जो है वो मिकात के बॉर्डर पे आती है। दूसरा उम्रे की नियत जिनको करनी है वो यहाँ से करते हैं और आयशा मस्जिद से भी होती है। तो ये है वो मंजिल और ये आ रहे हैं मम्मी, दीदी और अब्बू चलते हुए, देखना इन्हें।
यहाँ पे बैठे हैं दादी और अब्बू, यहाँ पे आईमान और दीदी, और यहाँ पे बैठे हैं मम्मी, और उनके बाजू में बैठी हूँ मैं। और हमने ये अनार लिया है, देखो कितना बड़ा अनार है, बाप रे बाप, सही है। और उसे शर्म आ रही है अपना फेस दिखाने, इसीलिए छुपा रहा है। तो यस, और अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमाए, कुरान पाक के अहकाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें अपनी औलाद, भतीजे, भांजे, जो माता है, रोटी, राइस, ग्रेवी है मटन की शायद, दाल, चिकन स्टार्टर, खीर, फ्रूट्स, सैलेड, कॉफ़ी, जूस, सब कुछ।